साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई आप लोग कह रहे थे कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही, तो भाई खेतों के काम थोड़े बड़े हुए हैं, इस वजह से वीडियो नहीं मिल पा रही थी आप सबको। आज हम अपना गुड़ बनवा रहे हैं, दो तीन दिन से गन्ना छील रहे थे, तो सुबह 5 बजे से ही लगे हुए हैं, पूरी यूनिट चालू है। मैं कोल्लू पे हूँ इस समय, और ये पीछे देख रहे हो आप, हमारा गन्ना पिल रहा है, लगभग ख़त्म होने वाला है, तो 2-1 घंटे में हम यहाँ से फारिग हो जाएंगे। तो आप लोगों को भी दिखाऊं कि भाई किस तरह से हम ऑर्गेनिक गुड़ बनाते हैं, देसी गुड़ आखिर बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस कैसे है, कहाँ पे गन्ना पिलता है, रस स्टोर होता है, फिर किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो गर्म होता है, और फिर कैसे कैसे उसकी सफाई होती है, और गुड़ के रूप में हमें वो मिलता है। तो पूरा एक ये प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और जिन साथियों को गुड़ चाहिए वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक तो ये समझ लें कि भाई इस गुड़ में कहाँ क्या मिलावट हो रही है, कैसी शुद्धता है। दूसरा साथ ही साथ ये देखें कि कैसे आप इस गुड़ को प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलो मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूं आपको और उसके बाद मिलता हूं, ठीक है। तो आप जो देख रहे हैं ये अपना कोल्लू है, और इसी कोल्लू में जो है गन्ने लगा के इसका रस निकालते हैं, और रस जो निकलता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये गन्ने लग गए यहाँ पर, वो रस गया और सामने वो सफ़ेद टैंक में रस स्टोर हो जाता है, और यहाँ से स्टोर होने के बाद वो सीधा कढ़ाव में भेजा जाता है। तो जैसे ये सफ़ेद टैंक आपने देखे, और यहाँ से पाइप के माध्यम से पहले कढ़ाव में रस आता है, पहले यहाँ थोड़ा गर्म होता है, उसके बाद दूसरे कढ़ाव में जाता है। अब आप जैसे देख रहे हो दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र ये लोग कर रहे हैं, तीसरे में, फिर तीसरे से चौथे में जाके उसकी पूरी सफाई होती है। तो तीसरे तक सफाई होती है। सफाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ये, आप पौधा जो पिटते छिटते देख रहे हो ये आपका सुकलाई का पौधा है। इसको ऐसे ही हथौड़े पत्थर की मदद से पीट के और ढंग से इसको पौधे को पूरे को छेद लिया जाता है, और इसको करने के बाद यहाँ से फिर इसको पानी में डुबोते हैं। ये देखो छिता हुआ देख रहे हो आप, तो पानी में डुबो के फिर उसका जो रस निकलता है उस रस को इसमें डालते हैं हम, गन्ने के रस में, तो उसकी सफाई होती है। ये देखो ड्रम में आप देख रहे हो ये तैयार है। अब इसके पानी को ही उसमें ड्रम में डालते हैं, इसमें डालते हैं आपके कढ़ाव में, अब चाचा डालेंगे, और आप देखना किस तरह से झाग बनेंगे और गंदगी बाहर आएगी। 2 डिब्बे इन्होंने पहले डाले, एक और डाल दिया ये, तो अब इसमें धीरे धीरे सफाई हो जाएगी। देखो नॉर्मल तो क्या होता है, जो कोल्लुओं पे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड करके एक केमिकल आता है, उसको हाइड्रो बोलते हैं, वो डालते हैं, उसके डालने से सफाई करते हैं, और उससे सफाई थोड़े केमिकल में बहुत बढ़िया सफाई हो जाती है, लेकिन वो खाने की चीज़ नहीं है, वो इंडस्ट्री ग्रेड का क्लिंजर है, वो केमिकल है जो आप अपने गुड़ में मिला हुआ खाते हैं। तो हम कोई केमिकल कभी ना खेत में डालते हैं, ना ही अपने गुड़ में डालते हैं, तो सुकलाई के पौधे से ही सारी हमारी सफाई होती है। ये हमें महंगा पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपके स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं, और आप लोग भी हमें अच्छा पेमेंट करके शुद्ध गुड़ खरीदना चाहते हैं, ऑर्गेनिक गुड़ खरीदते हैं, तो हम बिल्कुल केमिकल रहित गुड़ आपके लिए ये तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सफाई हो जाती है, और सफाई होने के बाद ये फाइनल वाले कढ़ाव में जब गुड़ पहुँचता है तो ये थोड़ा थोड़ा गुड़ के रंग पे आना रस शुरू हो जाता है, और यहीं पे इसकी घुटाई चल रही है। ये इसमें से अभी सफाई हुई थी, ये पीछे अभी थोड़ा आप देख रहे होगे रस अभी पक रहा है, यहाँ तीसरे कढ़ाव में काफ़ी ज़्यादा सफाई करके और फिर इसको चौथे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बिना केमिकल के हम ये पूरा गुड़ तैयार करते हैं, और आपने इसमें पूरे प्रोसेस में देखा केवल हम सुकलाई का जो पानी है उसी का इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये धीरे धीरे करते करते जो है गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होकर फिर ये कढ़ाव में से चाक में जाने के लिए, अब इसमें देखो आप थोड़ा सा गंदगी आ गई है, अब इसको भी ये साफ़ कर लेंगे। और ये वाला जो है जो कढ़ाई है ये सबसे भारी कढ़ाई होती है, ऐसा बताते हैं कि 8-10 क्विंटल की ये कढ़ाई होती है, मोटी परत होती है इसकी। तो इसमें आके रस को पूरा पका के, और ये देखो बिल्कुल गुड़ की शेप में ये आ गया है, और अब इस समय आँच बंद कर देते हैं बिल्कुल ये, जिससे कि जले ना कढ़ाई। तो अब बस इसको, ये चाक होते हैं सीमेंट के, इन चाक में इसको ट्रांसफ़र करके ठंडा किया जाता है। तो अब ये इसको धीरे धीरे इसी तरह से इस डोए से, इस पात्र से ये इसको इसमें डाल लेंगे, और डालने के बाद फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे, इसमें ठंडा करेंगे, उल्टा पलटी करेंगे, तब जाके इसमें खुरपे पाड़ बनेगी। तो मैं जैसे आपसे चर्चा कर रहा था कि जो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नाम का जो केमिकल यूज हो रहा है वो बेसिकली कपड़ों का रंग छुटाने के काम की चीज़ होती है, और वो 99% हर कोल्लू में उसका यूज होता है।
तो उससे बचो भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमसे ना खरीदें बेशक, लेकिन कोल्लू पे जाके खरीदें, उनसे बात करें कि हमें बिना हाइड्रो लगाए आप हमारा तैयार कर दो, चाहे हमारा रंग कैसा भी आए पर आप हमारे लिए उसको तैयार कर दो। तो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का जरूर बिल्कुल भी आप प्रयोग ना करवाएं, और देसी तरीके से सुकलाई से ही आप गुड़ शक्कर तैयार करवाएं। तो ये हमारा जैसे गुड़ था वो इसमें आ गया है, और अब दूसरे कढ़ाव में, तीसरे कढ़ाव का चौथे कढ़ाव में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब उधर वो फिर अच्छे से उसका पानी फूकेगा और गुड़ तैयार होगा। तो ये जो था इसकी घुटाई हो जाएगी, और घुटाई होने के बाद बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर इसमें से खुरपे पाड़ उतार। और आपने साथियों गुड़ की अलग अलग शेप देखी होंगी, कहीं पे 1 किलो की ब्रिक रहती है, कहीं पे 5 किलो की या 10 किलो की बाल्टी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में सबसे अच्छा गुड़ जो है वो खुरपे पाड़ जो ये तोड़ रहे हैं इसी को माना जाता है, क्योंकि इसका ठंडा होने का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। इसमें चारों तरफ से हवा लग रही है और नीचे कपड़ा बिछा हुआ है, तो बहुत अच्छे से ये ठंडा होता है और बहुत कुरकुरा ये गुड़ होता है। इसमें क्रिस्टल बहुत अच्छे बने होते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से ठंडा होके और ये गुड़ हमारा तैयार हो जाता है। इसको हमने टोकरों में भर लेते हैं हम, और टोकरों में भर के हम इसको जो है फिर ठंडा करते हैं, ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर इसको घर ले जाते हैं, और घर ले जाके इस तरह से आपके लिए करके दिखाया है बॉक्स पैकिंग करते हैं, और 10 किलो का ये बॉक्स हमारा रहता है। चलो अब आपको दिखाते हैं कि गुड़ की शक्कर हम कैसे बनाते हैं। ये देखो हम इसमें जैसे वो गुड़ का हमने तैयार कर लिया, तो इसमें प्रति 50 किलो 150 ग्राम करीब खाने का सोडा मिलाया जाता है गुड़ में। तो ऐसा करने से ये आप देख रहे हो चाशनी फूल जाती है, तो ये फूल के और शक्कर बन जाती है इसकी, दिखाएंगे पूरी प्रक्रिया। तो शुरुआत में इसमें 150 ग्राम खाने का सोडा मिलाया जाता है 50 किलो गुड़ में, और इसमें करने के बाद जब इसको थोड़ा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बारीक बारीक तरीके से ये मिलाते हैं थोड़ा थोड़ी मात्रा, ताकि ये सब में समरूप मिल जाए और सारी की सारी जो गुड़ है वो उसमें डली ना पड़े, शक्कर बन जाए सारे की। और इसमें शक्कर बनाने में भी ये आपने देखा कि किसी भी तरह का कोई केमिकल हमने यूज नहीं किया, सिर्फ खाने का सोडा जो कि खाद्य पदार्थ है, खाया जाता है, वो खाने का सोडा हमने इसमें प्रयोग किया है, इसके अलावा कोई केमिकल हम इसमें यूज़ नहीं करते। देखिए कितनी सुंदर ये जो हमारी शक्कर है फूल के आ रही है, जो गुड़ की शक्कर है उसको मैं शक्कर कह रहा हूँ, यहाँ शक्कर का मतलब चीनी से नहीं है। इसको चाक में डाल के और फिर इसकी घुटाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। घुटाई बहुत ज़रूरी है, ताकि सबसे पहली चीज़ तो जो खाने का सोडा है वो सारे में अच्छे से मिल जाए, और इसमें बहुत सुंदर कण बने, पाउडर ये बन जाए इसका। तो ये सब चीज़ें हम शक्कर जैसे बना रहे हैं। अब बहुत सारे साथी इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई आप कैसे इसको गुड़ शक्कर को अपने यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको आपका अपना नंबर मैं बता रहा हूँ, और वो नंबर में आप मिला के व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें ऑर्डर कर सकते हो, और गुड़ और शक्कर उसके साथ बासमती चावल और साथ ही साथ गन्ने का सिरका भी आप ऑर्डर कर सकते हो, हमसे मंगा सकते हो। तो साथियों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर है वो है 80 77 23 55 33, 8077235533। ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, केवल गुड़ के लिए ही इसके ऊपर इस नंबर पे चर्चा करें, अन्य कोई बात इस नंबर पे नहीं हो पाएंगी। आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो गुड़ के लिए। तो अच्छा, आप रेट की मैं बात करूँ तो गुड़ का रेट है 100 रुपये किलो और शक्कर का रेट है 120 रुपये किलो। इन दामों में आप हमसे गुड़ शक्कर प्राप्त कर सकते हो। जो चावल है वो 120 रुपये किलो है, सेला चावल है, बासमती चावल, साथ ही साथ जो सिरका है वो 200 रुपये लीटर है। तो इस तरह से आप हमसे हमारे उत्पाद प्राप्त कर सकते हो। देखिए कितनी सुंदर ये शक्कर उठ के आई है, और बहुत बढ़िया इसका रंग रूप उठ के आया है, देखो कितनी बढ़िया खिल रही है। और खिलने के बाद जब इसको हम उतार लेते हैं, तो उतार के इस तरह का ये पाउडर हमें प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी ही मिलता हूँ किसी और ऐसी ही रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।